गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो लेट्स स्टार्ट इंग्लिश वर्क। इंग्लिश में आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड का बुक वर्क। आपको करवाया था ना मैंने चैप्टर थर्ड। रघु एक बच्चा होता है, गांव में रहता है ना। उसके पास क्या क्या होते हैं? बर्ड्स, एनिमल्स एंड चिक्स, मंकी, गोट। तो हैं जो होती है वो वुमेन की किचन में चली जाती हैं। और ये देखिए जो गोट है वो गार्डन में चली जाती है, और मंकी है जो शॉप कीपर की शॉप पे चला जाता है, फ्रूट शॉप पे। और जो चिक्स होते हैं वो ओल्ड मैन के हेड पे होते हैं, तो सभी उसको डांटते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं। तो आज हम इसका बुक वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर आपके हो चुके हैं। अब देखिए पेज नंबर 28, कंप्लीट द सेंटेंस। रघु लिव्स इन ए विलेज। रघु गांव में रहता था। ही लिव्स टू प्ले विद देम। वो उनके साथ खेलना पसंद करता था, एनिमल्स और बर्ड्स के साथ। पीपल बिकम एंग्री विद हिम। जो लोग हैं उससे गुस्सा हो जाते हैं। रघुज गोट ईट्स द गार्डन्स रोजेज। जो रघु की गोट थी, बकरी थी, वो गार्डन के सभी फूल वगैरह खा जाती है। हीज चिक्स पीक एट द ओल्ड मैंस हेड। जो चिक्स हैं, मुर्गी के बच्चे हैं, तो ओल्ड मैन के हेड पर चोंच मारते हैं। हीज हैंड्स मेक द वुमेन्स किचन डर्टी। और उसकी मुर्गियाँ जो हैं वो वुमेन्स जो औरत की किचन है उसको गंदा कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 29। आपने क्या करना है? मैच द वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स। राइट द वर्ड्स ऑन द गिवन लाइन्स। ये आपको मैच द कॉलम दिए हुए हैं, आपको अपोजिट वर्ड्स के साथ मैच करना है। जैसे सैड हैप्पी, हॉट कोल्ड, यहाँ पे भी आप मैच कर देंगे साथ साथ। वाइज होता है बुद्धिमान, स्टूपिड मूर्ख, तो वाइज ये रहा, स्टूपिड ये रहा। यहाँ पे भी आप साथ साथ लिखते जाएंगे। गुड बैड, क्लीन डर्टी, वाइट ब्लैक, स्वीट बिटर, लवली अगली। लवली होता है प्यारा, अगली होता है भद्दा। गुड गुड बैड, क्लीन डर्टी, वाइट ब्लैक, स्वीट बिटर। ठीक है, अब ये भी आपको मैच करने हैं। यू हैव सिक्स वर्ड इन द बुक्स। ईच वर्ड इज़ ब्रोकन इंटू टू पार्ट्स। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कैन यू फाइंड द वर्ड्स? ऑल द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन। लेसन मिसिंग है। देखिए हेड, एच ई ए डी हेड, किचन, गार्डन, शॉप, मंकी, चिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? काउंटिंग लिखनी है। राइट इन वर्ड्स ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपकी मैथ्स में होती है। राइट इन वर्ड्स ऑल द नंबर फ्रॉम 1st to 10th। जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th आपको ये कंप्लीट करनी है, खुद से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट डेज ऑफ द वीक भी आपको आते होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये भी आपको खुद से करने हैं। पेज नंबर 31 है। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। टुडे इज दिस डे, यस्टरडे इज द डे बिफोर टुडे। आज जो दिन है, और यस्टरडे जो कल बीत चुका है, टुमारो जो कल आएगा। नेक्स्ट टुडे इज प्रेजेंट। आज जो है वो प्रेजेंट है। यस्टरडे इज पास्ट, कल जो बीत गया वो पास्ट था। टुमारो इज फ्यूचर, और कल फ्यूचर है, जो आने वाला कल है। वी यूज इज एम आर फॉर प्रेजेंट। प्रेजेंट के लिए हम इज एम आर यूज़ करते हैं। वी यूज़ वाज वर फॉर पास्ट, पास्ट के लिए हम वाज वर यूज़ करते हैं। वी यूज़ विल बी फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हम विल बी यूज़ करते हैं। पुट इन द करेक्ट डे ऑफ द वीक। जैसे टुडे इज ट्यूजडे, यस्टरडे वाज, कल क्या था? मंडे, आज ट्यूजडे, और टुमारो विल बी। अब कल क्या आएगा? ट्यूजडे के बाद तो वेडनसडे आता है ना, तो वेडनसडे। वी हैव ए हॉलीडे ऑन। हमारे को हॉलीडे कब मिलती है? कब होती है हॉलीडे? संडे को। नेक्स्ट देखिए, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ थ्री। कंप्लीट द इनकम्प्लीट सेंटेंस इन इज सेट। फर्स्ट स्टूडेंट, टुडे इज फ्राइडे। सेकंड स्टूडेंट, यस्टरडे क्या होगा फिर? आज फ्राइडे था मान लो, तो कल क्या होगा? कल क्या था? थर्सडे। और टुमारो
टुमारो होता है आने वाला कल, कल क्या होगा, यानी कि फिर सैटरडे, फ्राइडे के बाद तो सैटरडे आता है ना, यस्टरडे होता है जो बीत गया। नेक्स्ट स्टूडेंट वन, टुडे इज़ मंडे, आज मंडे है। स्टूडेंट टू, यस्टरडे, मंडे से पहले क्या आता है, संडे। और टुमारो, कल क्या आएगा, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। स्टूडेंट वन, टुडे इज़ वेडनेसडे, आज बुधवार है। स्टूडेंट टू, यस्टरडे, वेडनेसडे से पहले क्या आता है, ट्यूसडे। और टुमारो, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 33। राइट व्हाट यू लाइक टू डू ऑन ए हॉलीडे, यू कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आई लाइक, आपको बताना है आप इनमें से क्या पसंद करते हैं। आई लाइक रेस्टिंग, या रेस्ट करना पसंद है आपको, साइकिलिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन में। आई लाइक वॉचिंग टीवी, आई लाइक गार्डनिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक स्लीपिंग, जो आपको अच्छा लगता है हॉलीडे में करना वो आप यहाँ लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, ठीक है, इस सेंटेंस में से ही आई लाइक लिख कर। ओके, ये आज का आपका होमवर्क था, आपको कंप्लीट करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।